नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जापान की कंपनी होंडा ने लंबे इंतजार के बाद भारतीय बाजार में अपनी नई रेंट्रो क्लासिक रोस्टर बाइक को पेश कर दिया है। यह बाइक है हाईनेस CB350। इसे HN CB350 भी बोला जा सकता है, लेकिन इसे कंपनी हाईनेस के नाम से बुलाती है। तो होंडा हाईनेस दिखने में भी काफ़ी अच्छी और खूबसूरत लग रही है। यह बाइक मेरे को क्लासी लुक जैसी लग रही है। आप कमेंट करके बताना आपको ये बाइक कैसी लग रही है। जो रॉयल इन्फिनिटी जावा जैसी बाइक आती है, इसे ये टक्कर देने वाली है। ये बाइक 1996-1997 में आती थी, ऐसी लग रही है, ऐसी लुक आ रही है। दिखने में भी ऐसे डिसेंट लग रही है मेरे को। आपको कैसी लगी ये बताना। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डिज़ाइन फीचर और इंजन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं डिज़ाइन में, इस बाइक में LED हेडलैम्प दिए गए हैं। इसके गोल हेडलैम्प के अलावा लंबे हेडलैम्प, स्लीपर सीट, कॉम क्रैक्स और एग्जॉस्ट पाइप के साथ ब्लैक मैकेनिकल बिट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें एलॉय व्हील भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बाइक को और खूबसूरत बनाते हैं। जो कि बहुत सारे लोगों को एलॉय व्हील के शौकीन होते हैं वो, जो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प और क्रोम मिरर दिए गए हैं। तो ये बात हो गई डिज़ाइन के। फीचर की बात कर लेते हैं। यह बाइक में लेटेस्ट फीचर दिए गए हैं। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, होंडा स्मार्टफोन वायरलेस कंट्रोल सिस्टम, होंडा सेलेक्टेबल कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इस बाइक में एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो कि आपको जो ओल्ड वेरिएंट आते थे वैसे ही दिखने में लगेगा, नॉर्मल सा, सिंपल सादा, जिसमें आपको स्पीडो, टेकोमीटर, ऑटोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजिशन, डिरेक्ट फ्यूल गेज, ऑलमोस्ट आपको इसमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा ये छोटा सा मीटर में आपको, और ये क्लासी लुक देता है। तो इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा इंजन है और क्या कुछ है। तो इंजन में तो वही जो रॉयल इन्फिनिटी में आता है, वही इंजन आपको देखने को मिलेगा, 348 वाला CC वाला इंजन, जो 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि आपको 5500 RPM और अधिकतम 20.8 PS और 3000 RPM की पिकअप टॉर्क में 30 Nm पिकअप टॉर्क पैदा कर देगा, जो कि ये सब बाइक में देखने को मिलती है जावा और रॉयल इन्फिनिटी में। अगर बात करूं मैं इसकी कीमत के बारे में, तो इसकी कीमत आपको 1.9 लाख रुपीस देखने को मिलेगी, जो कि एक शोरूम प्राइस है। तो कीमत भी इसकी सही लग रही है मेरे को, 2 लाख के अंदर में आ जाती है। तो रॉयल इन्फिनिटी और जावा की भी कीमत शायद इतनी है। और इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, डीलक्स और डीलक्स प्रो, 2 वेरिएंट उपलब्ध किए गए हैं। और आपको बात यह भी बता दूं कि यह आपको बाइक बिग की डीलर पर ही उपलब्ध होगी, जो कि आपको वहीं पे मिलेगी। जो होंडा सिंपल होंडा होते शोरूम, उस पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ये बाइक देखनी है जाके, तो ये बाइक आपको गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलोर, कोची और भिलाई में आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे उसको रखा गया है, जो कि 100 पीस बोल सकते हैं, या उसे लोग देखने को आते हैं, इतने से लिमिटेड पीस अभी बना है। और अभी आप बुकिंग भी उसकी चालू हो गई है, तो बुकिंग भी आप करवा सकते हो। तो बुक करवाएंगे तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आपको हर डिटेल मिल गई होगी। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो के रिलेटेड या और बाइक के बारे में, तो नीचे कमेंट कर देना, वो बता दूंगा, हो सकेगा तो वीडियो भी बना दूंगा। तो आशा करता हूँ हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो किसी भी रीजन से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक भी इससे कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में सवाल जवाब हो, नीचे कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको आगे इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिलती रहे बाइक कार के बारे में लेटेस्ट अपडेट। तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, आप जहाँ भी रहे सुखी रहे।